सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये रूम। ये देखिए, ये है हमारा रूम 101। ये है, देखिए, काफी स्पेशियस है, काफी अच्छा है। टेबल है यहाँ पर, चेयर भी है, ये देखिए, और काफी बड़ा जो है यहाँ पर टीवी इन्होंने दिया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है इस रूम के हिसाब से, बिकॉज इट्स अ स्पेशियस रूम। और ये मैं आपको रूफ दिखाता हूँ, ये देखिए वुडन रूफ है प्रॉपर, तो इस वजह से थोड़ी ठंड कम लगती है यहाँ पर, ठंडी हवाएं थोड़ी कंट्रोल हो जाती हैं। और ये देखिए लैंप भी स्टाइलिश सा दिया है यहाँ पर, और इधर रुचिका तैयार हो रही है। हेलो रेडी हो रहे हो? और ये देखिए यहाँ पर वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, ये देखिए थोड़ा मेस्ड अप हो रखा है हमारा रूम अभी, सामान ज्यादा फैलाते हैं हम लोगों की आदत खराब है। और अभी हम लोग बस निकल रहे हैं बाहर। स्पेस बहुत ज्यादा है और वार्डरोब बेस्ट दिखाना, वार्डरोब देखो इतना बड़ा, आप अच्छे से अपने ब्लेजर्स वगैरह टांग सकते हैं, टांग काफी सकते कुछ है हो। इसमें स्पेस। हाँ, इधर भी एक छोटी है इधर अलमारी, भी स्टोरेज दे कि रखी किसी को है, स्टोरेज अगर अपनी करनी है तो आप करना इधर है तो कर आप सकते हो। का स्टोरेज के हिसाब से काफी अच्छा है ये रूम। यहाँ पर आप अपना मेकअप का लगा सकते हो, सामान सारा। हाँ, और आकर के और बगल वाला रूम दिखाते हैं, एक्चुअली वो अभी क्लीन हुआ है, हाँ वो क्लीन हुआ है अभी, तो रुचिका एक बार दिखाना जरा वो वाला रूम 102। ये देखो, ये यहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, ये ये बाहर का काउंटर आउटर है। एरिया है, यहाँ पे ये हाँ, रूम खाली करके गए तो इस वजह से उन्होंने और सामान ये लगाया आउटर हुआ एरिया है। दिखा दो जरा एक बारी, हाँ ये ये देखो यहाँ पे मशीन भी है, किसी के कपड़े गंदे हाँ हैं आप अपने कपड़े भी वॉश अपने कर कपड़े सकते हो, वॉश कर पूरा सकते घर हो जैसा खुद। है। देखिए होम स्टे के जनरली, जो ये बेनिफिट्स हैं एक्चुअली हाँ, होटल से। और जनरली एक चीज और है जो मैं ऐड करना चाहूंगी, सॉरी। हम कहीं भी जाते हैं वाटर बॉटल देते हैं सब लोग 20 वाला। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि आपका अपना आरओ यहाँ पर लगा हुआ है, अपना पानी पीजिए, पानी के आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये हमें सर बेस्ट लगा क्योंकि हम बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमने देखा है वहाँ हाँ, पे 20 रुपीज 30 रुपीज चार्ज देना ही पड़ता है पानी की बॉटल का, ये वो यहाँ पर नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा आरओ लगा दिया पर्सनली, हुआ, अच्छा ये होम स्टे ब्रांडेड के आरओ बेनिफिट्स हाँ हैं। और लगाया बड़ा हुआ ये है, वॉश बेसिन बाहर दे रखा वॉश है मेशन है इधर, हर रूम्स में, तो वॉशरूम्स में है ही, ये बाहर आप भी देख दे सकते रखा हैं है। बाहर, ये नैना झील दिख रही है, हाँ, ये देखिए यहाँ से दिख रही है झील, ये नीचे इफ यू वाला कैन टेरेस सी। है। हाँ, ये टेरेस है, ये पूरा आपको अभी हम दिखाएंगे, आप आइए मैं देखिए। रूम हाँ, दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये हमारे ओम प्रकाश जी हैं। हेलो, चलो अब ये सो अंदर ये लाइट टू जलाओ। 102 है रूम नंबर, हाँ यहाँ पर अभी गए हैं गेस्ट रुके हुए थे, तो ये हमारे रूम से छोटा रूम है एक्चुअली, बट हाँ ये भी अच्छा रूम है। पहले हमें ये ही मिलने वाला था, बट यहाँ के जो ओनर है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारी अच्छा, उनसे दोस्ती हो हमारी गई थी दोस्ती हुई उनसे, तो तो उन्होंने उन्होंने, हमें बड़ा वाला रूम दिया है। हाँ, ये एक सो वी छोटा गॉट रूम है, लकी। हाँ, इधर सेम यहाँ पे कबर्ड है, इसमें सामान रख सकते हैं आप अपना, अच्छा खासा सामान आ हाँ जाएगा इसमें, पूरी फैमिली के साथ आप स्टे कर सकते आराम से हो। स्टे कर सकते हैं। वॉशरूम ये वाला भी बहुत अच्छा है, हाँ, देख लीजिए आप, ये देखिए काफी स्पेशियस कंप्लीट यार, बहुत क्लीन। अच्छा है तो। गेस्ट के जाते ही एकदम क्लीनिंग शुरू कर दी है यहाँ पे भैया ने, ऐसा नहीं है कि गंदा पड़ा रहता है यहाँ पे, कुछ हाँ, भी चीजें एकदम साफ सफाई मेंटेन है, ओम सब प्रकाश कुछ जो है बहुत यहाँ अच्छे पर से। केयरटेकर, वो काफी रिस्पॉन्सिबल हैं और और बेस्ट क्विकली पार्ट काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, अभी इस वाले होम स्टे में चार ही रूम है, कल हमारी भैया से बात हुई थी, उन्होंने बोला अभी चार ही रूम है हमारे पास, हमारा कोई ऐसे एजेंडा नहीं है कि हमें ज्यादा गेस्ट चाहिए, वो चाहते हैं कि हम थोड़ा पीसफुल एरिया जिनको हाँ, पसंद है वो इस प्रॉपर्टी पे आए, और थोड़ा सा स्पेशियस तरीके से हाँ। रहे, मतलब घिच पिच ना हो। तो और चलिए दिखाते हैं आपको, तो ये हमारा रूम था। बॉम्बे के लोग तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वहां स्पेस की यस वैल्यू क्या होती है। तो हाँ, या दिस इज द ये यूनिट रूम, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे पीछे जो है ना ये। हाँ ये हाँ, अच्छी अच्छी लग लग रही रही है, है, यहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं, मतलब अगर आपको पीसफुल स्टे चाहिए, स्पेशियस, तो उसके यहाँ लिए पर बेस्ट आराम से प्लेस है। बेस्ट और है इसके आप। चार्जेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हाँ, नहीं है, बहुत और कम एक्सपेंसिव येस्टरडे है, आपने तो वर्क फ्रॉम होम हाँ। किया। एक्चुअली क्या था, हमारा प्लान था काठगोदाम, सॉरी कहाँ जाने वाले थे हम लोग, हम मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर सॉरी, जाने का प्लान था। हमारा मुक्तेश्वर का प्लान था, बट यहाँ पे वोटिंग की वजह से ना सब बंद पड़ा था, तो हम कल पुलिस वाले जो है उनसे बात करके आए, तो उन्होंने बोला कि नहीं सेफ नहीं है जाना, आप जहाँ रुके हुए हो वहीं रहिए। तो मेरा हाँ, ऑफिस था, मैंने सोचा मैं क्या करूंगी पूरे दिन, तो हर्षित ने अपना शूट किया, हर्षित शर्मा हमारा, मैंने अपना वर्क फ्रॉम एनीवेयर किया है पहली किया बार, है। तो उसका भी हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस बहुत रहने मजा लगा, आया इस यहाँ पर रुचिका को कल बहुत मजा काम आया। करके।
मैगी बना के खाई है, चाय कॉफी धड़ाधड़ पूरे दिन चला है, मजे से, बहुत मजा आया है। ओम प्रकाश था यहाँ पर हमेशा हेल्प के लिए, कोई भी मैगी कॉफी कुछ भी चाहिए, ओम प्रकाश यहाँ पे हेल्प के लिए कुछ भी चाहिए, आप एक आवाज दो तुरंत बंदा हाजिर है। ये हमारा हीटर था, हाँ इसने मेरा बहुत महाराजा व्हाइट लाइन, मुझे बहुत सर्दी लगती है तो मैंने ये पूरा दो दिन चला के रखा है, अभी इसकी थोड़ी ट्यूब में कुछ खराब हो गई है तो वो ओम प्रकाश लेने गया है, उसको सही करेगा। और ये देखो किचन है, ये फ्रिज है यहाँ पे, वेरी इम्पोर्टेंट, आप अपनी कोल्ड ड्रिंक, आप अपनी ड्रिंक्स चाहे कुछ भी आप अपना यहाँ पर ठंडा कर सकते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है ठंडा मौसम है, बट स्टिल फ्रिज इज फ्रिज। हाँ एंड दिस इज द स्मॉल किचन, हाँ किचन एरिया है यहाँ पे, ओम प्रकाश खाना बना के हमें देता है, हाँ छोटी सी पोर्टेबल किचन है बट अच्छी है, बढ़िया अच्छी है, यहाँ सब सामान सब सामान रखा हुआ है, हाँ साफ सुथरा बिल्कुल एकदम, गंदगी तो दूर बिल्कुल नहीं है। और देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स है नीचे जाने के लिए, हाँ ये दूसरा यहाँ पर एक अच्छी जगह है, कोई फेमस रहते हैं, आई डोंट नो कौन है, कोठी बनी, हाँ नहीं एक हॉकी के प्लेयर रहते हैं यहाँ, रिटायर्ड हॉकी के, आई थिंक उनका नाम कुछ बताया था हमें, हाँ कुछ बेस्ट करके कोई नेम है, आई डोंट रिमेम्बर, बट वो फॉर्मर इंडियन हॉकी का प्लेयर है, तो वो यहाँ रहते हैं। ये हमारे वाले फ्लोर से व्यू आप देख सकते हैं, बाकी नीचे वाला हम अभी आपको दिखाते हैं, अभी हम नीचे जा रहे हैं, हाँ, नीचे से शूट करके नीचे का व्यू दिखाते हैं, अभी हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं। देखो ये हमारे बगल वाले अपना लगेज यहाँ पर छोड़ गए हैं, वो नीचे घूमने गए हैं और चेकआउट उनका हो गया है, 6 बजे की ट्रेन है तो चेकआउट करके वो घूम रहे हैं, तो शायद हम भी ऐसा ही करने वाले हैं क्योंकि हमारा कल का है, आज हम और रुके हैं यहाँ पे, हमने सोच के आए थे कि एक दिन रुकेंगे बट हम तीन दिन रुके हैं यहाँ, और हमारा फिर भी जाने का मन नहीं कर रहा है, बट ठीक है नैनीताल में हम 4-5 दिन रुक गए हैं, बहुत है इतना। देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ, प्राइवेट वाईफाई है यार, कहीं नहीं मिलती वाईफाई, ये हमारा पर्सनल वाईफाई है जो कि बिल्कुल रूम के बाहर लगा हुआ है, और दोनों रूम्स आराम से हम यहाँ ने इनको यूज और किया। एक और चीज है कि टीवी जो होता है, हम कहीं भी जाते हैं इतना छोटा टीवी होता है, जनरली मेरा हर्षित के साथ तो हमेशा ये होता है टीवी काम ही नहीं कर रहा होता है, हम हमेशा जाके कमरे दे रहे हैं टीवी नहीं चल रहा है, बट यहाँ पर आके हम शॉक, इतना बड़ा आई थिंक 42 इंच का लगा हुआ है सैमसंग का एलईडी, इसमें हम आराम से गाने बजाते हैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखते हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो चलो जी रेडी हो जाते हैं और नीचे चलते हैं, हम बाकी आपको तो अभी थोड़ी देर में मिलेंगे गाइस नीचे जा करके, चलो रेडी हो जाओ, बाय। हेलो तो हम तैयार हो गए हैं नीचे जाने के लिए, नैना लेक में बुकिंग करने और नैना टेम्पल का, और सर से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ये ओनर है इस प्रॉपर्टी के, यस बहुत एवरीवन प्राउड ओनर है इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी के, हर्षित शर्मा YouTube channel. जी जी जी. He is such a wonderful gentleman. Thank you, sir. And it's an honor to host me here in this property. Yes. And I cannot say much about this because yes, it's a guest should say more. Yeah. And it's a beautiful property. बहुत अच्छी है. हमने दिखाया है. आप सर वाला भी room एक बार दिखा देंगे. मेरा वाला भी दिखाएंगे. कम है. हाँ तो ये सर का एक्चुअली जिस रूम में हम रुके हैं वो रूम है सर का, वो हमने ले लिया है। अच्छा अच्छा, लेकिन जिस रूम में आप दिखाने जा रहे हैं उस रूम को देखने के बाद मोस्ट प्रोबेबली लोग नहीं रुकेंगे फिर आके। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये एक्चुअली ये यहाँ पर है जो ओनर है, कंस्ट्रक्शन में है जी, हाँ अभी सर ने नया ही स्टार्ट किया है। सो ये देखिए काफी अच्छी स्टेयर्स बनाई हैं, अच्छा लगता है यहाँ पर ऊपर नीचे आने जाने में। देखिए ये भी कंस्ट्रक्शन में है रूम, हाँ ये प्रॉपर रूम नहीं है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, हमने आपको ऊपर दिखाया है, यहाँ पर सर रुके हैं, थोड़ा यूनिक इंटीरियर है, देखिए कैट की स्लीपिंग, द ब्यूटीफुल कैट इज हियर, ये देखिए। सो अभी ये कंस्ट्रक्शन में है सर, अभी और 4 रूम और भी बनवाने वाले हैं, हमारी बात हुई है सर से, तो आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे इसका, हाँ प्रॉपर्टी का। और ये देखिए ये ऑफिस भी है, स्पेशली मेड फॉर दिस इज अ रिटेनिंग वॉल, अच्छा अच्छा, तो इसमें से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं पहाड़ में से उसके लिए बनाए हुए हैं, तो मैंने इस पे ये जाली लगवा के इसको कवर कर दिया है। ओके ओके गुड, हमने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा कुछ, तो ये देखिए ऑफिस टेबल भी है यहाँ पर, यहीं से सारे काम होते हैं, और यहाँ से देखिए बाहर एक बहुत शानदार व्यू है, सामने ही झील है, देखिए झील यहाँ से आप और ज्यादा पास से देख पाएंगे, अभी हमने आपको ऊपर से दिखाया था, हाँ झील देखिए बोटिंग हो रही है, यहाँ लोग आराम से बोटिंग कर रहे हैं, बोटिंग हम भी यही जा रहे हैं, हाँ और धूप आ रही है, पानी पे धूप गिर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी बालकनी से व्यू दिखाते हैं अभी सामने से,
हाँ जी तो दिखाइए व्यू, ये देखिए बालकनी, पहले तो बालकनी आप दिखा दो। ये बालकनी है, हाँ पे हम शाम को बॉन फायर करने वाले हैं। हाँ, आज कल हाँ, नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पे बंद था। हाँ, हमारा आज का प्लान है, आज हम यहाँ करने वाले हैं। अच्छा सा कभी यहाँ से हम आपको व्यू दिखाते हैं, देखिए यहाँ से देखिए ग्रीनरी बहुत है, तो थोड़ा छिपा हुआ है बट दिख जाएगा कैमरे में आपको। Yes. ये पूरा झील है यहाँ, पूरा झील है। मैं थोड़ा सा जूम करके फ्रेंड्स दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और ये आप देख रहे हैं नीचे लोग कैसे, नीचे घर हैं, आराम से बच्चे खेल रहे हैं छत पे। बहुत हाँ, अच्छा व्यू है, बहुत मजा आ रहा है, हवा चल रही है बढ़िया एकदम। आई कैन बेट यू अगर आप एक दिन का प्लान करके आए हैं तो आप खुश नहीं होंगे, आपका यार दो चार दिन तो रुक ही जाए, हमारा यहाँ पे फोर्थ डे होने वाला है, थर्ड डे है आज। और एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, मैं और रुचिका हम दोनों को जो है भीड़ भाड़ कम पसंद है, शोर शराबा कम पसंद है। पीसफुल एरिया अगर आप पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाली है। और यहाँ पर हम मॉल रोड पे होते हुए भी मॉल रोड के शोर से हम दूर है। एग्जैक्टली। हाँ, और यहाँ पे क्या है, हम आप नीचे उतर के जाएंगे, यहाँ से 200 मीटर है, सब कुछ आप आराम से घूम सकते हैं, रात को भी घूम सकते हैं। अगर हम थोड़ा आउटसाइड जाते हैं हाँ, तो नीचे आने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, अरे यार इतनी दूर कौन जाएगा, बट ये इतना पास है, आप आराम से वॉक करते, खाना खाने के बाद वॉक करने भी जा सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। और कल तो लंगूरों की फौज यहाँ पर डांस कर रही थी, यहाँ लड़ रहे थे बहुत सारे लंगूर। हाँ, मैंने शूट नहीं किया, शूट करना चाहती थी, भूल गई बात। नहीं, मैंने शूट किया है, मैं दिखाऊंगा। हाँ, तो हम डालेंगे वीडियो में, आप देखिएगा, लड़ रहे थे आपस में, आपस में तो, और चाटा मार रहे थे एक दूसरे को। खुजाने का स्टाइल बहुत अच्छा था, पूछ उठा दे। अगर हम लकी हुए तो आज हम शूट करेंगे वो दोबारा। बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल। सो फ्रेंड्स, ये नीचे से आने का रास्ता है, ठीक है, ऊपर आना पड़ता है जब हाँ, थक रहे होते हैं थोड़ा, लगता है बट मजा बहुत आता, मजा है, मजा बहुत आता तो है। तो यहाँ ये नीचे से हम ऐसे आते हैं, देन ये वाली स्टेयर्स हमें फॉलो करनी पड़ती है, देन वो वाली आप सबसे ऊपर हमारे वाले रूम में पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप ऊपर पूरे हमारे वाले रूम में पहुंच जाएंगे, और ये वो जगह है जहाँ पर हम बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, कर रहे थे अभी। और रात को भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है, सर्दी इतनी ज्यादा नहीं क्योंकि वुडन की छत है। हाँ, ये प्लस पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा डिजाइन में, जो कि हम पुराने होटल में रुके थे, हमसे बैठा नहीं जा रहा था, परेशान हो गए थे। नेक्स्ट डे जब हम आए, हमने कहा वाओ, रात को इतनी सर्दी नहीं लग रही है यहाँ पे क्योंकि वुडन है, हीटर चलाया है तो आपको नॉर्मल फील होगा। इवन कल आई थिंक 4 या 5 था टेम्परेचर, पर पता नहीं चल रहा था। तो ये बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी में बहुत सारी और भी चीजें मैंने आपको दिखाई, जैसे आरओ, जो कि जनरली नहीं होता है होटल्स में, कोई नहीं देने वाला है आपको। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं, या नीचे चलते हैं, एक और रूम है वो दिखाते हैं आपको वो कैसा है। चलो जनरली ऐसा रूम होता नहीं है होम स्टेज में या होटल्स में, तो आप देख सकते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू हर्षित शर्मा चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग, मैं एकदम बढ़िया हूँ। मेरे साथ सर हैं, अभी मेरे गेस्ट हैं, या मैं इनका गेस्ट हूँ, एक्चुअली हम में से कोई गेस्ट नहीं है, अब हमारी बहुत अच्छी फैमिली मेंबर की तरह हो गए हैं। तो ये मेरे पीछे है प्रॉपर्टी फ्लेमिंगो, जो कि एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, लगभग 330 गज की ये प्रॉपर्टी है, जिसमें कई मंजिला ये जो है इमारत बनी हुई है। यहाँ पर बहुत ही कम्फर्टेबल, अच्छा स्टे है यहाँ पर। एक दिन के लिए हम आए थे, लेकिन हम यहाँ के अब हो गए हैं, 3 दिन हो गए हमें यहाँ रहते हुए, और आगे भी यहीं आना चाहेंगे, यहीं रुकना चाहेंगे। और इधर आप देख सकते हैं, सामने आप इस खूबसूरत झील के दर्शन कर सकते हैं, और जहाँ पर अब ऊपर हमारा रूम है, घंटों आप वहाँ पर रीडिंग कर सकते हैं, बैठ के सुकून के पल बिता सकते हैं, आप वहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट जो चाहें वो कर सकते हैं। और मेरे साथ अभी सर हैं, तो सर मैंने बुकिंग की है एयरबीएनबी के थ्रू,
तो और कोई गेस्ट हमारे दिल्ली से कोई दोस्त अगर आना चाहें तो वो एयरबीएनबी के थ्रू ही बुक करें? एयरबीएनबी के थ्रू भी कर सकते हैं, बुकिंग डॉक्टर के थ्रू कर सकते हैं, या ओयो के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा। या मेरी अपनी वेबसाइट है flamingo-cottage.com, उसके थ्रू भी बुक कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो आपके पास इतने ऑप्शन हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सर यहाँ का जो है सारा डाल दूंगा। okay. सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, बुकिंग का आपको मैं पूरा यूआरएल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी सर क्या इंस्पिरेशन रही आपकी इस प्रॉपर्टी के पीछे, आपका क्या आइडिया था कि? इंस्पिरेशन तो ये था कि इट वॉज डिज़ाइन फॉर माई ओन यूज़, बट लेटर ऑन वी डिसाइडेड टू यूज़ इट फॉर गेस्ट पर्पज और होम स्टे पर्पज। सो इनिशियल जो प्लानिंग थी वो तो अपने रहने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि क्यों ना इससे कुछ अर्निंग भी की जाए। तो वो एक सक्सेसफुल आइडिया रहा। हाँ, और ये एक अच्छी बात है। और ज़्यादा मैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में खुद से कुछ नहीं कह सकता हूँ, बेटर होगा कि आप लोग उसको डिस्क्राइब करें अपने अंदाज से जो आपको फील हुआ। नहीं, काफ़ी है, मेरे को तो देख के ये लगा काफ़ी मन से बनाया हुआ है कि मतलब इंसान अपने लिए ही बनाता है इतना अच्छा। इसमें दो लोगों को मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा जिनकी वजह से ये प्रॉपर्टी बन पाई है, दैट इज़ माय कज़िन पम्मी एंड अनदर खालिद भाई। दे आर द मेन पिलर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। खालिद भाई, यस, बिकॉज ऑफ देम दिस प्रॉपर्टी इज़ Alive now, you can say. हाँ जी, हाँ जी। बाकी आपको कैसा लगा ये आपके लिए, मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और मैं तो यू नो काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ यहाँ पर। मैं इंटरजेक्ट करूँगा, जैसे आपने, आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आपने प्रूव किया है कि यू आर दिल्ली के लिए कहा जाता है ना दिल वालों की जगह है, यू हैव प्रूवन इट दैट आप दिल वाले हैं। और आपकी मिसेस भी बहुत ही शानदार, बस यही कमाया सर हमने। और आपकी बात करने का अंदाज़, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है, बहुत ही टू द पॉइंट होता है, तो इसलिए मैं तो और ख़ास से मेरी फैमिली मेंबर्स या जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है उन लोगों ने भी आपके वीडियोस को बहुत पसंद किया है। और देखिए, मैंने अपनी तारीफ करने के लिए कोई ब्राइब नहीं दिया है, ये खुद अपने दिल से कर रहे हैं। ये तो अंदर की जो फीलिंग्स है मैं वो बता रहा हूँ, बिल्कुल नथिंग इज, इट्स नॉट ए पेड वीडियो, तो ऐसा कोई ना सोचे मेरे। और मैं तो बल्कि मना ही कर रहा था आपके, आपने कहा ही था कि मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन आपने इंसिस्ट किया तो मैं आया हूँ। क्योंकि बेस्ट सीजन, बेस्ट टाइम कौन सा है यहाँ पर? टाइम तो एक तो विंटर में जो अभी गुजर गया, जो स्पेशली बर्फ चाहते हैं, चाहते हैं। हाँ। दूसरा ये है कि मे ऑनवर्ड्स टिल नवंबर, अनटिल देयर इज नॉट, यानी बहुत ठंडक नहीं होती है, जो लोग ज़्यादा ठंडक नहीं बियर कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट पीरियड है। और स्पेशली समर सीज़न तो बहुत ही बेस्ट होता है। अब स्टूडेंट लोग हैं जिनके एग्जाम्स की छुट्टी हो जाती है, वो लोग उस टाइम पे आ सकते हैं उनके लिए। नैनीताल में तो आजकल स्कूलों की छुट्टियां हैं दिसंबर ऑनवर्ड्स टिल मार्च, तो वो उनके लिए जो मोस्टली लोकल लोग हैं वो लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम वेदर से बचना चाहते हैं, हल्द्वानी या नियरेस्ट टाउन चले जाते हैं। चलिए, फिर आपका वीडियो लंबा ना हो जाए। जी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं आपको अपनी तरफ से पूरा रिकमेंड करता हूँ कि आप नैनीताल ज़रूर आइए। और बस मॉल रोड से 200 मीटर आपको ऊपर चढ़ना है, थोड़ा सा कहते हैं ना हल्की सी आपको एक बार शायद पानी का घूट या थोड़ा सा सांस लंबी खींचनी पड़ जाए, लेकिन जब आप दिल्ली से आए हैं तो अगर आपको आदत नहीं है पहाड़ पे चढ़ने के लिए थोड़ा सा, तो अदरवाइज आप यहाँ पर जैसे ही आएंगे आप यहाँ पर आके खुश हो जाएंगे। शांति आपको पसंद है तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर बुक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे डिटेल्स डाल दूंगा, एयरबीएनबी से आप बुक कर सकते हैं। मेरे पीछे देखिए फ्लेमिंगो, और जो है अभी मैं आपको नीचे से इसके फुटेजेस दिखाऊंगा, और अभी हम मॉल रोड पे जा रहे हैं, वहाँ भी हम शूट करने वाले हैं। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग हर्षित शर्मा चैनल।